हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायनेमिक कीवर्ड के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वैर कीवर्ड के बारे में, फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम डार्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैर कीवर्ड यूज़ किया जाता है। बीच टाइप किया वैर आ गया इसमें, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल का नाम होगा आपका, जैसे कि नेम, ठीक है, इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि स्मिथ, ठीक है। फिर तो उसके बाद सेमी कोलन से क्लोज, तो ये इसकी डिक्लेरेशन हो गई। नेम के अंदर हमारा स्मिथ स्टोर हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट भी करा देंगे। प्रिंट क्या कराएंगे हम, नेम, ठीक है। फिर हम इसको रन करेंगे तो स्मिथ आ गया है हमारे पास। अब हम जानेंगे फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। तो फाइनल और कॉन्स्ट का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के काम आता है। ये डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले तो हम इसको कमेंट में डाल देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि आगे परेशान ना करें। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड लिया मैंने, उसके बाद उसमें उसको स्टोर कराया मैंने। इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो मैंने वैल के अंदर स्टोर कराई। कोई वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि 12, ठीक है। तो 12 जो है वो वैल के अंदर जा चुकी है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा वैल को, ओके। तो इसका ये मतलब हुआ कि वैल के अंदर जो 12 वैल्यू है वो अब दोबारा चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फाइनल कीवर्ड लग चुका है, वो एक कांस्टेंट बन चुका है। तो सेम रोल प्ले करता है कांस्टेंट, लेकिन उसका एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि फाइनल कीवर्ड हमने लिया, क्यूट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 77 या कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करी, इंटीजर वैल्यू। अब मैं प्रिंट कराऊंगा क्यूट, ठीक है, सेमी कोलन लगाया। अब उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस क्यूट में चला जाए 99, लेकिन ये नहीं जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड यूज़ कर रखा है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कांट असाइन टू द फाइनल वेरिएबल क्यूट, एरर आ गया, एक्सेप्शन नहीं, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब इसके आगे कोई मतलब नहीं बनता प्रिंट कराने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एरर आ चुका है, तो मेक्स नो सेंस। अब मैं आपको कॉन्स्टेंट कीवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉन्स्टेंट जो होता है वो कंपाइल टाइम पर रन करता है। जब कंपाइल होता है प्रोग्राम एक एक लाइन करके, तब वो रन होगा। तो कॉन्स्ट लिया कीवर्ड, CONST, ठीक है। फिर इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन करी, जैसे कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, पाई लिया हमने, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है। अब हमने कॉन्स्टेंट कीवर्ड फिर से टाइप किया। अब हमें एरिया चाहिए, इसका फॉर्मूला हमने लिखा, एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, पाई, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर, रेडियस ले लेते हैं, मान लो 2 ले लिया रेडियस, इनटू 2 आर स्क्वायर हो गया, यानी 2 इंटू 2, सेमी कोलन से बंद किया इसको हमने। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर कुछ अपना कोड लिखूंगा, द आउटपुट इज, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगा करके, सॉरी इंटरपोलेशन लगाऊंगा यहाँ पर, डॉलर सिंबल, टू फेच दी वेरिएबल। तो इसमें मैंने लिखा एरिया, यहाँ पर जैसे परसेंट डी लगाते थे सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, वैसे यहाँ पर इंटरपोलेशन यूज होता है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो आउटपुट आ गया 3.14 इनटू 2 इनटू 2, और 12.56 हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है।
और इसको चेंज नहीं कर सकते इस वैल्यू को, क्योंकि ये फाइनली डिक्लेयर हो चुकी है, ये हमारा एरिया है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम था। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल टू। ठीक है, मैंने फाइनल कीवर्ड लिया, V1 के अंदर मैंने स्टोर कराया 68, और अब मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड लिया, V2 के अंदर मैंने सेव कराया 88। ठीक है, अब मैं डालूँगा, मैं चाहता हूँ कि V2 के अंदर 99 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट और डिक्लेयर हो चुका है। V2 के अंदर ऑलरेडी 88 है, देर यू गो, एरर कांट असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल V2, V2 इज इक्वल टू 99, ये हमारे पास एरर आ गया। सो ये आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।